पहले के टाइम में पानी निकला करता था इस कुएं से, तो वही दृश्य दिखाया गया है कि किस प्रकार से पुराने टाइम में ऐसे यंत्र बनाए गए थे जिससे पानी निकला गया करता था। ये देखो गोल यहाँ पे घूम रहा है और यहाँ से पानी निकल रहा है, आप देख रहे हो बहुत ही सुंदर, ये ऑटोमेटिक घूम रहा है। देखो ये शायद तक पृथ्वी बताई गई है कि पृथ्वी इस प्रकार घूमती है। तो इसके बाहर निकलेंगे तो इस प्रकार का दृश्य आपको नजर आएगा, बहुत ही सुंदर। छत्तीसगढ़ी भजने माजना से को कुछ लिखा हुआ है, कुरुक्षेत्र पे नॉर्मा, यहाँ पे स्क्रीन चल रही है बड़ी सारी और खूब सारे बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, वो यहाँ पे आ रहे हैं इस चीज़ को, म्यूजियम को देखने के लिए आ रहे हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य है और इस साइड में खूब सारे नज़ारे आप देख रहे हो, यहाँ का बाहर का दृश्य जो आपके मैं साथ में शेयर कर रहा हूँ। और ये पुराना इस प्रकार से कुएँ हुआ करते थे जो पानी निकाला करते थे, इस प्रकार से वो चला करते थे, तो ये चीज़ भी यहाँ पे दिखाई गई है। बहुत ही सुंदर दृश्य है और हरा भरा हरियाली से ये। तो दोस्तों मैं आगे चलता हूँ और आपको खूब सारे दृश्य यहाँ पे दिखता हूँ, बाहर जाने का रास्ता है कुरुक्षेत्र पर मनो, तो बहुत ही गजब निराला दृश्य है। जो इस प्रकार पहले के टाइम में पानी निकला करता था इस कुएँ से, तो वही दृश्य दिखाया गया है कि किस प्रकार से पुराने टाइम में ऐसे यंत्र बनाए गए थे जिससे पानी निकला गया करता था। तो बहुत ही सुंदर दृश्य है और आगे चलते हैं और आगे भी आपको कुछ चीज़ें दिखाते हैं। ये श्री कृष्ण म्यूजियम कुरुक्षेत्र का नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ, बाहर से बहुत ही गजब और निराला दृश्य है मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। अंदर आने का रास्ता और अलग अलग जगह से ऐसे प्लेट बनाई हुई मिलेगी आपको, कोई गाइड की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ देख सकते हो, घूम सकते हो अपने आप ही। और यहाँ पे देखो कृपया फूल न तोड़े, यहाँ पर समझाइश आपको दी गई है, खूब सारे फूल वगैरह यहाँ पे लगाए गए हैं अच्छे अच्छे और बहुत ही सुंदर दृश्य। देखो कितने सुंदर पेड़ पौधे, बहुत ही गजब गजब दृश्य देखने के लिए मिलेगा आपको। तो आप लगातार मेरे साथ देख रहे हो फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल के माध्यम से, तो आप मेरे पेज को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, मैं आपके साथ में ऐसे ही खूब सारे वीडियो शेयर करता रहूँगा। आप पीछे के साइड में देखते हैं खूब सारे वीडियो, देखो इस साइड में चलते हैं और बहुत ही नज़ारा गजब का है जो आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। पीछे के साइड में फूल बाग बगीचे खूब सारे लगाए गए हैं, तो इस साइड का दृश्य भी मैं आपको दिखा देता हूँ। पीछे के साइड में खूब सारे यहाँ पे दृश्य बच्चों के लिए खेलने के लिए और खूब सारे चीज़ें हैं जो पीछे म्यूजियम में भी दिखाई गई है, और रंग रोगन वगैरह चल रहे हैं। तो इस साइड में बच्चों के खेलने के लिए है जो म्यूजियम में, खूब सारे बाग बगीचे फूल पौधे काफ़ी चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई है और बहुत ही सुंदर दृश्य यहाँ का मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। तो लोग घूम रहे हैं और इस साइड से अब हम आपको दिखा दिया, अब आगे के साइड चलते हैं और आगे का दृश्य भी मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ। तो खूब हरियाली हरा भरा ये दृश्य मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ कुरुक्षेत्र की। कुरुक्षेत्र बहुत ही अच्छा जगह है, एक पर्यटक स्थल भी है और कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध भी हुआ था, तो आप सबको कुरुक्षेत्र के बारे में पता होगा। तो बहुत अच्छी जगह है और कुरुक्षेत्र के बारे में ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, मैं आपके साथ में ऐसे ऐसे खूब सारे वीडियो शेयर करूँगा। तो अब चलते आगे का दृश्य भी मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों ये बाहर का नज़ारा आप देख रहे हो, बहुत ही सुंदर कुरुक्षेत्र पैनोरमा विज्ञान केंद्र है, इसमें बच्चों को अगर आप घुमाते हो तो बहुत अच्छा सीखने के लिए यहाँ पे मिलेगा आपको, विज्ञान के बारे में खूब सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है, अंदर देखने लायक चीज़ है। ये देखो गोल यहाँ पे घूम रहा है और यहाँ से पानी निकल रहा है, आप देख रहे हो बहुत ही सुंदर, ये ऑटोमेटिक घूम रहा है। देखो ये शायद तक पृथ्वी बताई गई है कि पृथ्वी इस प्रकार घूमती है, देखो इस प्रकार से घूमती है भाई साहब पृथ्वी, है ना। तो बहुत ही गजब का नज़ारा मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है आपको बता देता, कुरुक्षेत्र पैनोरमा विज्ञान केंद्र भारत में माननीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा, हरियाणा के माननीय राज्यपाल श्री बाबू प्रमाद, हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री ओम प्रकाश चौटाला एवं माननीय केंद्रीय पर्यटक एवं संस्कृति मंत्री श्री अनंत कुमार की उपस्थिति में 6 मार्च 2001 को राष्ट्र को समर्पित। बहुत ही सुंदर दोस्तों ये बोर्ड आप लगा देख रहे हो, बहुत ही गजब दृश्य है बाहर का, इस प्रकार से हरियाली और बहुत ही सुंदर दृश्य है इस म्यूजियम का बाहर से मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ।
तो मैंने इसके 2-3 वीडियो अंदर जाके बनाए हैं, उस वीडियो को आप ज़रूर देखना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। मैं आपके साथ में बहुत ही सुंदर दृश्य यहाँ का शेयर कर रहा हूँ, तो लगातार मेरे साथ बने रहो, देखते रहो। अब बाहर से जाते हैं, उसका दृश्य आपको कुछ बाहर से दिखाते हैं, यहाँ से आने जाने का जगह नहीं है तो वहाँ से भी दिखाएंगे आपको। बहुत ही सुंदर दृश्य है, काफ़ी पर्यटक है जो घूमने के लिए आ रहे हैं, देख रहे हैं, घूम रहे हैं, आनंद ले रहे हैं यहाँ की जगह का। तो कुछ चीज़ें यहाँ पे भी हैं जो मैं आपको बता देता हूँ, नोटिस करने लायक चीज़ें। अब वो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कुछ महान लोगों की यहाँ पे मूर्ति है, फोटो है जो लगाई गई है। सत्यमनाथ बोस है, होम जहांगीर बाबा है, और विक्रम अम्बालाल साराभाई, चंद्रशेखर वेंकट रामन, बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे फोटो इनकी जो लगाई गई है, देखो सोने की जैसे लग रही है, सोने की, लेकिन पता नहीं ये किसकी। अगर आप किसी भाइयों को पता है तो कमेंट में ज़रूर बताना। जगदीश चंद्र बसु, कुछ इसके बारे में कार्य और इनकी चीज़ें भी लिखी गई हैं जो आप देख रहे हो। और यहाँ पे है मेघनाथ साहा, तो इनकी तस्वीर लगी है, और यहाँ पे इनके बारे में कुछ लिखी गई है, उल्लेख है जो यहाँ पे किया गया है कि इन्होंने क्या किया था, तो बहुत ही सुंदर। और यहाँ पे आपको बिरबल सहानी, इसके बारे में भी उल्लेख दिया गया है, आप देख रहे हो आपके फ़ोन के स्क्रीन पे, आप स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हो। काफ़ी चीज़ें हैं जो यहाँ पे, श्रीनिवास रामनुजन, यहाँ उल्लेख इसका भी दिया गया है, और काफ़ी चीज़ें नोटिस करने लायक चीज़ें हैं। प्रोफेसर गॉडफ्रे हिरोन हार्डी के, उनके कुछ चीज़ें यहाँ पे नोटिस की गई हैं, लिखी गई हैं, तो ये बिंदु आप पढ़ लेना, तो पढ़ने से ही आपको पता चलेगा। और आप अगर देखते हो और देखने से अच्छा यहाँ आकर देखते हो ना, बहुत अच्छा लगेगा वास्तव में। अगर एक बार मैं आपको कहता हूँ कि अगर आपके बच्चे 7वीं 8वीं में पढ़ रहे हैं तो आप एक बार बच्चों को यहाँ इस म्यूजियम में ज़रूर घुमाएं, विज्ञान के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज मिलता है यहाँ, तो बच्चे पकड़ कर जाते हैं जो विज्ञान जो पढ़ते हैं। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें बहुत गजब दी गई हैं, तो ज़रूर बच्चों को दिखाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं आपके साथ में खूब सारे वीडियो शेयर करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ। राम राम साहब।